ऐसे लग रहा है ना कि पहाड़ हम लोग ऐसे डायरेक्टली नीचे उतर रहे हैं, ट्विस्ट करके नहीं, डायरेक्टली डाउन। आता वेयर आर वी गोइंग? देयर इज अ केव हियर, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, सो लेट्स चेक आउट द प्लेस नाउ। हाँ, सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ केव। जाऊं क्या? देर आर टू रूम्स हियर विच आर क्वाइट इनसाइड एंड डार्क एंड दिस इज अ केव। देयर इज समथिंग रिटन हियर, मगरमच्छ से सावधान, देर इज रिवर अहेड एंड देर आर मल्टीपल केव्स। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, इट इज सो फ्रीकिंग अमेजिंग। जगह है ये यार, अटेम्प्ट टू ट्राइंग टू गो इनसाइड नाउ। चलो 1 2 3। हेलो, माय वॉइस इज एकोइंग हियर कंप्लीटली। गोप्रो में ऑफ कोर्स दिख नहीं रहा होगा बिकॉज इट्स क्वाइट डार्क, बट एटलीस्ट यू कैन हियर माई एको। एंड देर इज़ वन मोर रूम हियर, एक ही है, ये अलग अलग दरवाज़ा है उसका। एंड देर आर मोर केव्स अहेड, ऐसे वो यहाँ पे जो लोग हैं ना उन्होंने बताया। सो लेट्स गो एंड चेक दोज आउट। दिस इज सच एन अमेजिंग प्लेस। आस पास कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीट फॉरेस्ट। पंधारा काजी करके जगह है, इट्स वर्थ विजिटिंग। एक तो रोड बहुत अमेजिंग है वहाँ पे। There are multiple caves around here and there is a river आगे जाके, अभी हम लोग गए नहीं है। This is the second cave that we are visiting and it's all covered in greenery. It's like, I can't explain. So I'm just gonna go and check out these caves now and then we'll go ahead. ये क्या है? What is this? Pillars. हाँ, some kind of pillars. Isn't it beautiful? ये सारे caves, this is a pillar I guess. And there are gaps also here. People used to stay here in these stone caves. Okay, let's go ahead. Look at these beautiful, beautiful trees and the beautiful surroundings. ऐसे होना चाहिए था ना कि इफ यू टच दिस यू विल गो बैक इन टू देयर टाइम्स, मतलब टच करो और उनकी एरा में चले जाओ। लाइक दिस सम मैजिक, इट कैन बी अ स्कूल एंड देर आर बेंचेस ऑल्सो इन साइड। बेंचेस इन द सेंस द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, हो सकता है। और यहाँ पे भी है, शायद ये कोई घर होगा। यहाँ पे लैंप लगाने की जगह है ये शायद, है ना। अगेन यहाँ पे ना भगवान की मूर्ति है दरवाजे पे। अंदर अगेन देर इज़ अ सिटिंग स्ट्रक्चर, देर इज़ अ स्ट्रक्चर हियर। ये पानी वानी भरने की जगह लग रही है। देर आर मल्टीपल केव्स लाइक दिस, आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट स्ट्रक्चर एंड एवरी केव इज़ अ काइंड ऑफ अ रूम और सम डेडिकेटेड प्लेस लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, आई थिंक इट कैन बी अ टाइप ऑफ किचन, चूल जिसको मराठी में बोलते हैं, दैट फायर प्लेस ऑफ फर्नेस जहाँ पे कुकिंग होती है। दिस स्टोन हैज टेम्पल का कुछ तो कार्विंग ऐसे गिरा हुआ है। लाइक दिस इन ऑल देर आर 28 डिफरेंट केव्स। ये अलग है, इसको दरवाज़ा भी है। एंड देर इज अ पॉन्ड हियर। वाओ, लेट मी शो यू After going here, just look at this. I am inside a pond, like not exactly inside, but if you look here, there is a way out here. यहाँ से आना है। ये सब जोकर लोग रुके हैं यहाँ पे।
So now we have left from that place Panhara Kazi and now the second stop is Guhagar. वो first होने वाला था लेकिन thank God हम लोग यहाँ पे आए. Route तो खतरनाक था ही, the place was also nice. Last of us मदे. Oh right. Exactly, you got it right. Last of us game में ऐसा एक scene है जो road से आते हैं and then this exactly looks like that. Joel and Ellie. Now directly heading to Guhagar. Road ऐसे ही होने वाला है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं. Just going to enjoy it. Just look at the twists and turns now. मज़ा आने वाला है. So damn peaceful, very peaceful, such a different feeling. ये कुछ अलग शेड है रोड का. अरे ये भी एक अलग शेड है राइड का. No, but actually एकदम ग्रीन से then towards the side of the road ऐसे grasses जो हैं वो dry हो चुके हैं. It's brown, it's giving a brown shade and then again a green shade. ऐसे मस्त कलर लग रहा है, कलरफुल, वेरी नाइस. दिस एंटायर थिंग इज कोकोनट ट्री प्लांटेशन. किसी का तो फार्म होगा यहाँ पे भी. इट्स एग्जैक्टली 12 PM इन द आफ्टरनून. सच ब्यूटीफुल प्लेस. फिर जंगल में घुस गए. क्या हो रहा है ये हम्पटी. देर आर सम मोर ट्विस्टीज अहेड. And we are still climbing down. Oh ho ho! Look at that. अरे माझा मॅप मध्येच बंद झाला. रस्ता दाखवायचा, आगे वाले गाडी पे रस्ता चल रहा है तो चलो चलते हैं. अपना भी आ गया. How stupid is this? Wow! Yash is dancing on his bike. वाह 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 वाह. लेट्स ओवरटेक द कार्टून. वाह क्या है ये प्लेस. डज दिस प्लेस एग्जिस्ट इन रियलिटी. ऐसे लग रहा है मुझे ये क्या है. नहीं होता है ऐसा. ऐसी जगह सिर्फ पोस्टर्स में होती है. ओह वाओ. अरे बाप रे. ओ शिट. ये तो लगा रही है सींग. इसको जाने देते हैं. तो ये अभी हम लोग हैं दाभोर में. वी हैव टू गो हियर. फ्रॉम दाभोर वील टेक अ फेरी एंड क्रॉस द वशिष्ठी रिवर एंड रीच ढोपावे एंड देन अगेन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी अहेड. चलो. सो अभी हम लोग यहाँ से आए, वो वहाँ पे जो विलेज दिख रहा है ना, दैट इज़ दाभोर. दाभोर से वो वाली जट्टी लेके नाउ वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर वशिष्ठ रिवर. दिस इज़ वशिष्ठ रिवर और ये इतने अमेजिंग बोट्स दिख रहे हैं ना यहाँ से, कितना खूबसूरत लग रहा है ये. सो नाउ वी आर हेडिंग टू गुहागर. यहाँ से 30 मिनट्स पे है.
23 मिनट्स टू रीच गुहागर, और हम लोग गुहागर में नंबर वन विल गो एंड विजिट होटल सुरुचि. लाइक एवरी ईयर वी कम टू गुहागर ड्यूरिंग ईयर एंड, एंड होटल सुरुचि वहीं पर रुकते हैं हम लोग. काइंड ऑफ फ्रेंडली हो गए अभी, तो वी आर गोना गो मीट देम एंड देन वी विल गो टू अन्नपूर्णा होटल. 1:30 PM नाउ. काफ़ी लेट हो गया, मतलब अभी पड़ेल पहुँचते पहुँचते इट वुड बी डार्क. वाह, नाइस रोड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाइस रोड इन द सेंस प्लेन रोड. क्या व्यू है, सच एन अमेजिंग व्यू. 10 minutes to reach our place, Hotel Suruchi. I've always loved this part of Konkan, Guhagar. बहुत ही अमेजिंग है, मतलब यहाँ के जो घर हैं ना, अभी आगे जाके दिखेंगे, इतने क्यूट क्यूट से घर हैं. एवरी हाउस हैज़ अ ह्यूज गार्डन एंड इट इज़ कॉल्ड एज वाड़ी, एंड देर आर कोकोनट ट्रीज ऑल अराउंड. द बीच इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल. गुहागर वाला वाटर स्पोर्ट्स होते हैं एंड गुहागर बीच इन द इवनिंग इज़ जस्ट अमेजिंग. ये गुहागर का रोड और ये सारे घर, दे आर सो प्रिटी एंड क्यूट. और ये है वो वाड़ी जो मैं बोल रही थी ना, ऑल कोकोनट ट्रीज. आसूदला थाम लो आणि मग इथे आलो आहे. चला बाय बाय. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द जयगढ़. ये थर्ड जेटी होगी अपनी. टू रीच देयर इट इज गोइंग टू टेक अस 1 hour 13 minutes. And it is 31 kilometers from here. फिर से ऑफ रोडिंग पैच, फिर से यही. द लूज सॉइल इज नॉट गुड. पूरा पहाड़ का पहाड़ ही ऐसे उतर रहे हैं हम लोग. ओके, आई थिंक खत्म हो गया है. लेट्स होप सो. ये क्या डायरेक्ट बीच पे लेके जा रहा है. वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू लैंड डायरेक्टली ऑन द बीच राइट नाउ. शिट शिट शिट, इट्स काइंड ऑफ वेरी लूज सॉइल राइट नाउ. ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट इट इज. लेट अस गो एंड हैव अ लुक एट द व्यू टिल द टाइम दे आर कमिंग. हम लोग वहां से आए, पूरा लूज सॉइल है. आई डोंट नो ये वाला रास्ता कहाँ जाता है, बट हम लोग वहाँ से आए एंड दिस इज़ द व्यू. ये है अपना गुहागर बीच, वो रहा बीच वहाँ पे. अमेजिंग, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ आर कोस्टल राइड. ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं ऐसे अमेजिंग, मतलब पहाड़ पूरा ऐसे ही उतर के आए हम लोग फ्रॉम देयर. वहाँ से उतर के यू गेट दिस व्यू. आई सी यश एंड आज़ाद कमिंग. एकदम आराम आती है भाई, भाई. यश, ओम, आज़ाद, हमटी, श्वेता, बबरू एंड दिस इज द सीन. चलो चलो, कम ऑन, लेट्स गो. And this is our beach. ये होती है coastal ride. फिर से अंदर जाएंगे जंगल में, फिर से बाहर आएंगे. Look at this. This is actual unexplored Konkan. मतलब इतने सारे videos देखे हैं and so many things. Coastal road भी देखा हुआ है but ये नहीं देखा था यार मैंने कभी. Oops. एकदम से turn. पिन बैंड एंड सच क्यूट लिटिल कार्स. पूरे कोंकण में देखे मैंने ऐसे कलरफुल कार्स. पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ का. नादर पिन बैंड. अभी क्या होता है ना, ऐसे ब्यूटीफुल घाट से निकल के एकदम से ब्यूटीफुल बीच वाले व्यू में चले जाते हैं. दिस रूट इज अमेजिंग. इवन इफ इट इज टेकिंग डबल द टाइम, ट्रिपल द टाइम, दिस रूट इज अमेजिंग. आई बेट ऑन दैट. कोई नहीं है, बस हम तीनों जा रहे हैं यहाँ से चलाते चलाते. देर आर विलेजर्स डूइंग देयर ओन थिंग्स. हार्डली कुछ लोग दिखते हैं.
एंड पूरा रोड कवर्ड है, कैनोपी है सब जगह, एंड इट्स डेंस फॉरेस्ट, ग्रीन एवरीवेयर. व्हाई कांट आई स्टे हियर इज लाइक दैट. मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे? आई वॉन्ट टू, आई रियली वॉन्ट टू. 17 किलोमीटर्स मोर, स्टिल 47 मिनट्स टू गो. और अब कुछ हमें ना सीधे सीधे रास्ते मिल रहे हैं, एंड वी आर हेडेड टूवर्ड्स द देवबाग तारकरली रोड, मतलब साउथ कोंकण, मालवण की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग. पडेल जो है इट इज़ इन द मालवण एरिया ऑफ कोंकण, विच इज़ द साउथ सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कोंकण. आप एक कोंकण में घाट उतरते साथ यहाँ पे एक पानी पूरी बेल सेंटर दिखा है. सो वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग पानी पूरी हियर. सो दीज टू जोकर्स आर सो एक्साइटेड अबाउट पानी पूरी. मस्त होती है दादा पानी पूरी, एकदम मस्त. चला ये तो हेडवी से आए हम लोग. दिस इज दी हेडवी विलेज और अभी मूविंग टूवर्ड्स द जेट्टी. हमेशा ऐसे बोलते हैं डायरेक्टली जाएंगे बट स्टॉप आ ही जाता है बीच में. ब्रेक हो गया पानी पूरी वाला. कोंकण के घाट में पानी पूरी इन कोंकण्स हेडवी विलेज, मतलब ये तो अनएक्सप्लोर्ड होने का लिमिट क्रॉस कर दिया है. हैप्पी फेसेस व्हेन स्कूल इज डन. यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे है नीचे स्कूल. जयगढ़ पे पहुंच गए हम. यहाँ से हम लोग जेटी लेंगे एंड वील क्रॉस दिस रिवर अगेन. वहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है. गोल्डन आवर और ये जो नज़ारे हैं, सेटिंग सन ऑन द बीच एंड वी आर राइडिंग नेक्स्ट टू द बीच, मतलब ये तो कमाल ही हो गया है. लुक एट दिस, वाओ, जस्ट वाओ. This is gonna be my first night ride. So all the best to me and Humpty. ये जो अभी scenes है ना sunset होने के बाद के हैं, अभी जैसे जैसे dark होते जाएगा यहाँ पे, देख तो lights वगैरह होती नहीं है road पे, it is gonna be a little scary. The view. इसके लिए तो कुछ भी, the road conditions are very bad. ये रहा सनसेट होने के बाद का समंदर. Look at those are the mangroves, definitely mangroves hain, wo kitne sundar dikh rahe hain.
आर स्टिल क्रॉसिंग अ विलेज सो देर आर पीपल अराउंड सो टिल नाउ इट इज़ ओके. आगे देखते हैं अभी कैसा है. ये रोड अभी दिन में होता ना तो इतना अमेजिंग दिखता था. आई नो दैट ये पूरा ऐसे ब्राउन वाला पैची फील्ड है एंड देन द स्ट्रेट रोड, बट यही रोड रात में कितना हॉरिफाइंग दिखता है. नहीं, आई मीन दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक दिस. मुझे टेंशन आ रहा है, आई एम नर्वस आई नो, बट ट्राइंग टू बी वेरी मच काम. There are twisties. अंधेरे में twisties. Direction वाले कुछ signboards हैं. यहाँ पे भी कुछ लोग दिख रहे हैं. कुछ लोग दिख जाए तो अच्छा लगता है. अंधेरा कायम रहे वाला ब्रिज है ये. I think अभी वो खराब वाला रास्ता आना शुरू हो गया है. अभी बीच में ही एक बहुत ही डेंजरस पैच चला गया. See like this. This one. ये पैच खराब है. I would have been shit scared if I was alone. मतलब मैंने ये तो डेयरिंग किया ही नहीं होता अकेले ऐसे रोड पे आने का रात को. अभी मेरे साथ है यश और श्वेता, लाइक ऑल थ्री ऑफ अस आर देयर, सो दैट्स व्हाई आई एम ओके विद इट. ये लोग पीछे रह गए यार, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा. टू व्हीलर से रात को आना वैसे रिस्की है यहाँ से बिकॉज ऑफ द रोड्स, बिकॉज ऑफ द एरिया. अभी तो खैर 7:30 ही हुए हैं तो देर आर पीपल कमिंग बाय. इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए ऐसे रोड्स पे. आई कांट सी देम. ऐसे अंधेरे रोड पे आके ना स्लो डाउन करने का कुछ मतलब नहीं है वैसे. गाइज कम फास्ट यार, मुझे दिख नहीं रहे. हाँ अभी दिखा कुछ तो. आम्ही चौघ जण आहोत तर एक्स्ट्रा बेड वगैरे मिळेल ना? रूम दाखवता का मला?